पढ़ाई के साथ साथ छात्रों की फिटनेस पर भी जोर। यूजीसी ने तैयार किए नए दिशा निर्देश, संस्थानों में होंगे छात्र सेवा केंद्र। अटॉर्नी जनरल ने न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 का किया बचाव, कहा शीर्ष अदालत कई बार अपने फैसलों से नीतिगत मामलों में देती है दखल। बिजली उत्पादक कंपनियों पर भारी बकाए के चलते महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल को कम की गई कोयले की आपूर्ति, करीब 7091 करोड़ रुपए का है बकाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी को प्रचार करने में बताया हीरो, अपनी पार्टी पर कसा तंज। पैसों को लेकर गलत जानकारी देने वाले राज्य सरकार के अफसरों पर सख्त हुआ केंद्र, अफसरों के खिलाफ होगा एक्शन। लेखिका अरुंधति राय बोली, आज भारत की स्थिति पीछे की ओर उड़ते विमान जैसी, जो दुर्घटना की ओर बढ़ रहा है। लेखिका ने भारत की तुलना विमान से की। लव जिहाद शब्द को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जताया आपत्ति, कहा आपसी सहमति से अंतर धार्मिक विवाह पर रोक। पुणे पुलिस ने राज्य मानव अधिकार आयोग को दिए पत्र, में कहा हिंसा मामले में संभाजी भिड़े के शामिल होने के नहीं मिले सबूत। जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा में तनाव, एक समुदाय के दो युवकों पर हमला, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। नीट यूजी के जरिए आर्मी के नर्सिंग कॉलेजों में देखेगा दाखिला, एनटीजीए ने जारी की अधिसूचना। भीषण गर्मी में बारिश ने दी राहत, पश्चिम यूपी में आंधी और ओलावृष्टि से 5 की मौत, अगले 4 दिन तक लू चलने के आसार। जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान से आई कवच भेदी गोलियों का इस्तेमाल कर रहे आतंकी, भारतीय सेना ने मंगाई नई बुलेट प्रूफ जैकेट। प्रियंका चतुर्वेदी ने बाला साहेब के वीडियो से दिया राज ठाकरे को जवाब, कहा सस्ती नकल के लिए सबक। हम रहा लाउडस्पीकर विवाद, मुंबई में तेज हुई राज ठाकरे के करीबी नेताओं की धरपकड़, अब तक 50 से ज्यादा गिरफ्तार। दिल्ली के वेलकम इलाके में तनाव, दो समुदायों के बीच झगड़े के बाद एक्शन में पुलिस, हिरासत में लिए गए 37 लोग। यूपी में बिजली कंपनियों का दिन प्रतिदिन बढ़ रहा घाटा, महंगी बिजली बेचने के बाद भी बदतर है हालात। सीतापुर में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 19 लापरवाह शिक्षकों की सेवा की समाप्त। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मिलने पहुंचे ओपी राजभर, बेटी भी थे संग, सियासी अटकलों का बाजार गर्म। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण का निर्देश, भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर एफआईआर दर्ज कर की जाए वसूली। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अदालत में पेश हुए ईदगाह कमेटी 3 को जारी किए गए नोटिस। अलीगढ़ में 25 साल पुराने मुकदमे में कार्रवाई, पूर्व सपा विधायक का आत्मसमर्पण, न्यायालय में पूर्व सपा विधायक को भेजा जेल।
तरैया में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, अधिकारी समेत ग्राम प्रधान रहे मौजूद। विकास अधिकारी ने इस बैठक में की शिरकत। पुलिस को मिली सफलता, औरैया में महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मथुरा में बेटी के शादी को लेकर विवाद, पति पत्नी के बीच हुई कहासुनी, पति ने पत्नी को लगाया आग। मथुरा में बरसाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब तस्कर की संपत्ति होगी कुर्क, मौके पर मजिस्ट्रेट और क्षेत्र अधिकारी रहे मौजूद। रायबरेली में सच से मुखातिब हुए मंत्री सुरेश खन्ना, बारिश के ने दिखाए शहर की तस्वीर, मंत्री जी को पानी के किनारे से होते हुए निकलना पड़ा। भाजपा नेताओं का रायबरेली दौरा, सीएससी गौशाला का किया गया निरीक्षण, तीन मंत्रियों ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आजम खान से मिलने सीतापुर जेल नहीं जाएंगे अखिलेश यादव, बोले जेल से छूट जाएंगे तभी होगी मुलाकात। मिशन 2024 में संगठन की न टीम्स के साथ जुटेगी भाजपा, लोकसभा चुनाव के लिए नए सिरे से साधने होंगे जातीय समीकरण। हरदुआगंज तापिया परियोजना की यूनिट अचानक बंद, अलीगढ़ में बिजली उत्पादन गिरा, बंद होने का कारण तकनीकी कमी बताया जा रहा। टोपी पहन ईद मुबारक बोलते वीडियो बनाने के लिए कहने पर प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा। मिर्जापुर में शादी समारोह में दो पक्षों में चले लाठी डंडे में, एक की मौत और चार लोग हुए घायल, दुल्हन ने शादी से किया इनकार। टोरेंट पावर लिमिटेड के महाप्रबंधक उपभोक्ता फोरम में तलब, व्यक्तिगत रूप से होना होगा हाजिर। गोरखपुर में नहीं बढ़ेगी वार्डो की संख्या, पुराने वार्डो में शामिल होंगे, नगर निगम में शामिल 32 नए गांव। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले प्रदेश में पुलिस और अपराधियों के हौसले बुलंद, नाबालिग से थाने में ही एसओ ने की दरिंदगी। रोडवेज इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल पूरा, मोदी नगर तक चलेगी बसें, 5 की बजाय देने होंगे 10 रुपए। गोरखपुर में निवेश के लिए लैंड बैंक बढ़ाने पर गीडा का फोकस, जमीन की खरीद हुई तेज। एमबीए के साथ बी फार्मा करने का मौका, विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ कमाई का भी अवसर। सीटी स्कैन एमआरआई के लिए बीआरडी और एयरफोर्स से करार करेगा एम्स, दोनों संस्थानों से अनुबंध की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बुजुर्गों की छूट खत्म, कानपुर में अब फाइल करना होगा रिटर्न, आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने का दायरा बढ़ाया। मुख्य सचिव का सभी जिले को निर्देश, यूपी में एक सप्ताह के अंदर बढ़ जाए 100% स्मार्टफोन और टैबलेट। बलरामपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, पूर्व सपा विधायक के स्वजनों से करोड़ों की सरकारी जमीन मुक्त।
अवैध संबंधों में हुई थी 55 वर्षीय महिला की हत्या। सीतापुर में 24 साल के प्रेमी ने ईंट से कूचा था सिर। होटल ट्रांसपोर्ट कारोबारी परेशान। आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट में क्षेत्र में सुधार पर किया फोकस। विकास की राह में अतीत के मिट रहे निशान। आगरा की शान, 90 साल पुराना बिजली घर अब आएगा नए काम। उजड़े घर और बंजर खेत, योगी आदित्यनाथ के मन को कर गए व्यतीत। कहा, हमें इसे बचाना होगा, गांव को दोबारा करना होगा आबाद। चार धाम में यात्रियों की संख्या को लेकर असमंजस। मुख्यमंत्री के यात्रियों की संख्या तय करने से इनकार के बावजूद शासनादेश यथावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मुलायम जैसे टूटते हेमवती नंदन बहुगुणा के इरादे। खाली होते पहाड़ी गांवों की चुनौती। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहा, पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर से हुए रवाना। मां सावित्री देवी के किए चरण स्पर्श। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवनिर्मित भागीरथी पर्यटक आवास गृह का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, योग आयुर्वेद और प्रकृति के चिकित्सा भविष्य की बड़ी जरूरत। बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड में मौसम हुआ सुहावना। लोगों को गर्मी से राहत मिली, पहाड़ी इलाकों में ठंड महसूस की गई। टिहरी में नकली नोट के साथ चार आरोपी गिरफ्तार, इनमें दिल्ली पुलिस का एक ही सिपाही भी शामिल। नटवरलाल रितेश पांडे की बैंक खाता सीज करेगी पुलिस। हल्द्वानी खंगाली जा रही कॉल डिटेल। हल्द्वानी में जेप अध्यक्ष बेला तोलिया की जांच, डीएम ने सीडीओ, सीडीओ ने निचले अफसरों को सौंपी। सियारी में भारी बारिश से खतरे की जद में आया धापा गांव। 12 परिवारों ने सुरक्षित स्थानों पर ली शरण। पीएनजी पाइपलाइन बिछाने के दौरान चली गई बच्चे की जान। हल्द्वानी में नहीं रखा जा रहा मानकों का ध्यान। बाइक चोरी कर नेपाल में बेचने वाली शातिर सूरज गिरफ्तार। खटीमा में 5 बाइक हुआ बरामद। एमबीबीएस के बाद अब दूसरे कॉलेज में नहीं कर सकेंगे इंटर्नशिप। हल्द्वानी में एनएमएससी ने बदला नियम। सेना के निशाने पर विदेशी हथियार, 4 सैन्य भंडारों समेत 4 सैन्य ठिकानों को किया निशान। अमेरिका के टेक्सास में स्कूली छात्र की चाकू मारकर हत्या, सहपाठी को हुई जेल। स्कूल में कक्षाएं की गई रद्द। तालिबान में महिलाओं को गाड़ी चलाने से रोकने को, उन्हें लाइसेंस जारी न करने का दिया आदेश।
रूस से तेल आयात पर तत्काल रोक लगाने के प्रस्ताव पर ईयू सदस्यों में नहीं बन पाई सहमति। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर भड़के हुए बलूच, कहा डराने के लिए एजेंसियां कर रही हैं बल का प्रयोग। न्यू मैक्सिको के जंगल में लगी आग को राष्ट्रपति बाइडेन ने आपदा घोषित किया, 1000 से ज्यादा लोग बुझाने में जुटे। जापान में तेजी से घट रही है बच्चों की संख्या, देश की कुल आबादी में महज 11.7% 15 साल के कम आयु वर्ग के हिस्सेदार। गर्भपात की वैधता पर अमेरिका में राजनीतिक विवाद, सुप्रीम कोर्ट के भावी फैसले के मसौदे के लीक होने की होगी जांच। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर नेपाल के नाइट क्लब ने दी पुष्टि, लॉक ऑफ द ड्रिंक में थे मौजूद। श्रीलंका में संसद के पास सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। अप्रैल में सर्विस सेक्टर का शानदार प्रदर्शन, 5 महीने में सबसे तेज कंपनियों ने बड़े पैमाने पर भर्ती की। डिलीवरी ने तय किया आईपीओ का प्राइस बैंड, 462 से 487 रुपए प्रति शेयर रखी कीमत। आईपीओ का आकार पहले 7460 करोड़ रुपए होना था। SBI ने ब्रांड से 2 अरब डॉलर जुटाने की बनाई योजना, निदेशक मंडल की बैठक में होगा विचार। गेहूं की कम खरीद और निर्यात के बावजूद पर्याप्त स्टॉक, निर्यात के लिए मिस्र, टर्की और यूरोपीय संघ के कई देशों ने खोले दरवाजे। फ्यूचर रिटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश बियानी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वीरेंद्र समानी का भी फ्यूचर रिटेल के साथ लंबा कार्यकाल रहा। RBI के रेपो रेट और CRR बढ़ाने का दिखा असर, बैंकों ने रेपो रेट से जुड़े होम लोन की किया महंगा। रेलवे ने माल ढुलाई में फिर बनाया रिकॉर्ड, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुई माल ढुलाई। रेपो दर में बढ़ोतरी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वृद्धि पर ब्रेक लगेगा, FATA ने जताया डर। ग्लोबल चुनौतियों के बीच 7 से 8.5% रह सकता है भारत का ग्रोथ रेट, बोले मुख्य आर्थिक सलाहकार। इंडिगो ग्राहकों के लिए लाया गया खास सुविधा, फ्लाइट में फ्री में मिलेगा खाना और एक्स्ट्रा बैगेज की सुविधा। बैंगलोर को 3 हार के बाद मिली जीत, चेन्नई ने 13 रन से दी मात, चेन्नई 9 विकेट पर 160 रन ही बना पाई। चेन्नई की हार के बाद अंक तालिका में बदलाव, RCB टॉप 4 में पहुंची, 10 टीमों के बीच चल रही एक ट्रॉफी पाने की जंग। हैदराबाद में शामिल हुआ 21 साल का युवा गेंदबाज सुशांत मिश्रा, सौरभ दुबे के रिप्लेसमेंट के तौर पर मिली जगह। कप्तान बनने के बाद पहली बार खुलकर बोले कप्तान बेन स्टोक, एंडरसन और ब्रांड की वापसी को लेकर दी प्रतिक्रिया।
बांग्लादेश के खिलाफ 18 सदस्यीय श्रीलंकाई टीम की घोषणा, दिमुथ करुणारत्ने को मिली नेतृत्व की जिम्मेदारी। बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने गोल्ड पर साधा निशाना, शौर्य सैनी ने जीता ब्रांज। ऑरेंज कैप की सूची में बटलर और राहुल का एक दूसरे को पीछे करने की होड़, नंबर वन पर बरकरार है बटलर। बैंगलोर से हार के बाद अपने बल्लेबाजों पर बरसे धोनी, कहा शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर हो सकते थे। गेंदबाजों में मची है पर्पल कैप जीतने की होड़, युजवेंद्र चहल सबसे आगे। युजवेंद्र ने इस सीजन में अब तक 40 ओवर फेंके। बैंगलोर के खिलाफ 3 रन बनाकर भी शिखर पर पहुंचे जडेजा, बने कारनामा वाले पहले खिलाड़ी। एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने 1 करोड़ रुपए की कीमत की ऑडी Q7 खरीदी, शोरूम में की गाड़ी की पूजा। श्वेता तिवारी की लाडी पलक ने स्किनी बुलाने पर ट्रोल्स को दिया मुंह तोड़ जवाब, कहा ये किसी चीज से खुश नहीं होंगे। टीवी की बॉस लेडी रुबीना दिलाय कब खतरों से खेलती आएंगी नजर, कहा जिंदगी की मुश्किलों ने मजबूत बना दिया। सलमान खान की ईद पार्टी में कंगना रनौत को देख भड़के यूजर्स, बोले गिरगिट की तरह रंग बदलना पड़ा। रिलीज से पहले ही कानूनी विवाद में आए रणवीर सिंह की फिल्म में ट्रेलर के एक सीन से शुरू हुआ विवाद। नॉर्थ ईस्ट के अनेक मुश्किलों से लड़ते दिखेंगे आयुष्मान खुराना, रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर। KGF चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया नया रिकॉर्ड, दंगल को पछाड़ते हुए बनी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म। कंगना रनौत के शो में वार्डन बनकर पहुंची बिग बॉस की विनर तेजस्वी प्रकाश, अब किसी पर होगा जहरीला वार। करण जौहर के साथ अनबन पर कार्तिक आर्यन ने तोड़ी चुप्पी, बोले बात पर बतंगड़ बनाते हैं। डेविड धवन के घर फिर गूंजी किलकारियां, वरुण धवन के बड़े भाई रोहित धवन दूसरी बार बने पिता। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।